हेलो फ्रेंड्स, सरिताज किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मेरी मम्मी मीठे पूड़े बना रही है जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, आइए देखें वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डेढ़ कटोरी आटा लेंगे। फ्रेंड्स, आटा हमने इस कटोरी के नाप से लिया है। फ्रेंड्स, अब हम उसी कटोरी के नाप से एक कटोरी चीनी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर तैयार करेंगे। हम पानी को एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसमें गुड़ या चीनी को पीस कर भी डाल सकते हैं और मीठा अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैटर तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, हमें बैटर इतना ही पतला चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम इसमें चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। हमने इसमें बादाम और काजू लिया है। फ्रेंड्स, अब हम ड्राई फ्रूट्स को बैटर में अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसे 5 मिनट तक ढककर रख देंगे। फ्रेंड्स, जब तक हमारा बैटर तैयार होता है तब तक हम तवे को हाई फ्लेम पर गर्म होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा तवा गर्म हो चुका है। अब हम इसके ऊपर रिफाइंड ऑयल को फैलाएंगे। आप चाहे तो इन्हें सरसों के तेल या देसी घी में भी बना सकते हैं। हम यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम रिफाइंड ऑयल डालने के बाद गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और तेल को तवे पर अच्छे से फैला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब हम अपने बैटर को चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैटर पूड़े बनाने के लिए एकदम तैयार है। फ्रेंड्स, अब हम गैस को मीडियम फ्लेम पर कर देंगे और तवे के ऊपर अपना बैटर डालेंगे। अब हम बैटर को भी तवे पर अच्छे से फैला लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसके चारों तरफ थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। और थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर भी डालेंगे। फ्रेंड्स, 1 मिनट के बाद हम पूड़े को पलट लेंगे। फ्रेंड्स, हम इसकी साइड को पलटे से धीरे धीरे हटाएंगे ताकि पूड़ा टूटे नहीं। और हम दूसरी साइड भी ऐसे ही तेल लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पूड़े को कितना अच्छा कलर आया है और ये कितना क्रिस्पी लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पूड़ा बनकर तैयार है और अब हम इसे बटर पेपर में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पूड़े झटपट बनकर तैयार हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। फ्रेंड्स, हम इसे मलाई के साथ सर्व कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। आप चाहे तो इसे कॉफ़ी के साथ, दूध के साथ या चाय के साथ भी खा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।